हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंस। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, विच इज़ PLC। और इसका जो कंसेप्ट है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें और करने वाले हैं, लाइक इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजिंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज़, माफ़ी चाहूँगा। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर में, छोटा सा टॉपिक है, तो वो हम लोग कवर करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में इन सब चीज़ों को। फिलहाल हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसकी जो इम्प्लीकेशन है उसको अभी फिलहाल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जो आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट देन। इफ द कंपनी हैज़ टू मीट द इनिशियल टू स्टेजेस, टू चैलेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट परसेप्शन एंड द ऑफ द कस्टमर एंड ट्रांसलेटिंग कस्टमर परसेप्शन इन टू द एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट, इट हैज़ इक्वली चैलेंजिंग जॉब अवेटिंग इट लेटर। बात कही जा रही है जो दो चैलेंजेस जो होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट परसेप्शन। तो प्रोडक्ट जो परसेप्शन है, प्रोडक्ट किस तरह का होगा जो कि कस्टमर को पसंद आएगा, ये पहला एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि ट्रांसलेटिंग कस्टमर परसेप्शन, जो कस्टमर परसेप्शन है उसको आप चेंज कर पा रहे हो एक ऐसे प्रोडक्ट में जो कि उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये दो काम जो है ये बहुत ही चैलेंजिंग है बात कही जा रही है, और आगे जा करके ये और ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। कैसे देखते हैं, दिस चैलेंज अराइजेज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मूविंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन द मार्केट। तो ये जो चैलेंज है ये इस तरह से राइज करता है कि जो मार्केट में जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब एक तरह से जो टेक्नोलॉजी का जो बढ़ रहा है, जो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, हर कंट्री नए नए टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसका इस्तेमाल करती है, हर नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो एक तरह से इसका डिमांड बढ़ता हुआ जा रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है कि आगे जा करके ये जो है बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत दिनों तक बचा पाना या इस चैलेंजेस को सर्वाइव कर पाना। इट इज़ जनरली सेड दैट द प्रोडक्ट्स आर लाइक ह्यूमन बींग्स, कहा जाता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो इंसानों की तरह ही है। कैसे देखते हैं, दे आर बॉर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे वो जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब सेल होती है, और फिर मर जाते हैं अचानक से, ठीक है, फॉल सेक, तबीयत ख़राब हो जाती है, बाय स्टेशनरी डिक्लाइनिंग सेल्स, मतलब अचानक से क्या होता है कि स्टेशनरी जो होता है और उसके जो सेल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, तो एक तरह से वो तो उसकी तबीयत ख़राब होती है, और अल्टीमेटली इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है, एक तरह से डिसअपेयरेंस फ्रॉम द मार्केट हो जाता है। तो एक तरह से देखिए, इसलिए इसको कहा गया है लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें वो जन्म लेता है, मार्केट में वो बढ़ता है, ग्रो करता है, सेल होता है, अचानक से उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, सेल कमती है ना, और फिर अचानक से मर भी जाता है, मतलब एक तरह से मार्केट से वो गायब हो जाता है, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज जनरली रेफर टू एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसी को PLC या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है, आगे देख लेते हैं। इट हैज़ बीन इक्वली एम्पेरिकली दैट मेनी प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर लो यूनिट वैल्यू आइटम्स विच डू नॉट इन्वॉल्व हाई टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन आर फ्रीक्वेंटली बॉट बाई कस्टमर्स। तो बात कही जा रही है ऐसे प्रोडक्ट जिस पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, वो जो प्रोडक्ट्स है उसको जो है कस्टमर जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली खरीद हैं, और जिसकी यूनिट भी बहुत छोटी होती है उसको जो है कस्टमर्स बहुत जल्दी खरीदते हैं, गो थ्रू दिस लाइफ साइकिल, और इस लाइफ साइकिल के लिए जाते हैं इन अ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मतलब एक कंपेटिटिव की हिंदी मुझे नहीं आ रही है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि किसका प्रोडक्ट बेहतर है, और जिसका बेहतर होता है वो प्रोडक्ट जो है एनवायरनमेंट में टिक जाता है। द लाइफ साइकिल इज गोइंग लॉन्ग और शॉर्ट, लाइफ साइकिल जो होता है लंबा भी होता है छोटा भी होता है, एज इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स केस में होता है, कुछ लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं, कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एंड द टाइम नेचर ऑफ द मार्केट। तो ये डिपेंड करता है किन चीज़ों पर, जो प्रोडक्ट का नेचर है उस पर और जो मार्केट का नेचर है उस पर। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को आप देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को, लाइक हमारा जो बाइक्स आते हैं, बाइक्स को एज अ प्रोडक्ट अगर आप देखिएगा, तो एक बाइक की सेल जैसे आज स्टार्ट हुई तो एक तरह से उसका जन्म हुआ, धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ी, लेकिन आगे जाकर के क्या होगा, वो बाइक जो है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके धीरे धीरे जो सेल है वो घट जाएगी, तो उस तरह के जो बाइक्स हैं उसको और लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कंपेटिटिव कम्पीट करने के लिए उसी कंपनी ने कोई और बाइक या फिर किसी और कंपनी ने कोई और बाइक निकाल दी है, तो जो अगली कंपनी है उसको तो उससे बेहतर बाइक निकालनी होगी, तो जैसे बेहतर बाइक निकालोगे उसका जो सेल है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। जैसे एप्पल के फ़ोन्स के केसेस में होता है, जैसे एप्पल हर साल नए फ़ोन्स को लॉन्च करती है, या कोई भी कंपनी जो हर साल अपने नए नए फ़ोन्स को लॉन्च करती है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो चीज़ें होती है ये PLC में होती हैं,
इन ए कंपेटिटिव एनवायरमेंट फॉर ए लो टेक्नोलॉजी एंड लो यूनिट वैल्यूज द लाइफ साइकिल टेंड्स टू बी शॉर्ट। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है एनवायरमेंट में, ऐसे कंपेटिटिव एनवायरमेंट में जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है और इसकी यूनिट वैल्यू जो होती है वो कम होती है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है। इन एन एनवायरमेंट विच इज़ प्रोटेक्टेड एंड हाई टेक्नोलॉजी, जिसमें जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड होता है, मतलब प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड होता है, और एक तरह से जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको पीएलसी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ये टेबल हम लोग थोड़ा सा फॉलो करेंगे, इसके बाद हम लोग इम्प्लीकेशंस में जाएंगे तुरंत। ठीक है, हैव सो फार बीन फाउंड द लाइफ साइकिल टेंड्स टू बी लॉन्गर, वही बात जो मैंने कही वही बात कही गई है। तो कहा जा रहा है कि 7.2 में द फॉलोइंग टेबल 7.3 वुड इंडिकेट द प्रेफरेंस ऑफ लाइफ साइकिल फिनोमिना इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ कॉमन यूज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में किस तरह से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है ना, उसके बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डिटर्जेंट केक्स बार्स। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट बार होते हैं जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, साबुन जो होते हैं उसके, उसका इंट्रोड्यूस 18 हो गया, फिर ड्रॉप कर गया 13 पे। पॉपुलर टॉयलेट सोप्स जो होते हैं या बार्स होते हैं वो 29, फिर 11 हो गया है ना, इंट्रोड्यूस किया गया था 19 पे लेकिन गिर करके वो 11 हो गया। प्रीमियम टॉयलेट सोप 44 पे इंट्रोड्यूस किया गया था, गिर करके वो 21 हो गया। तो एक तरह से देख रहे हैं ना ये कैसे कैसे गिर रही है, चीज़ें जो है गिर रही हैं, हमेशा एक तरह का सिचुएशन नहीं होता है ना। तो ये बात कही गई, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पहला पैराग्राफ है वो लुक 7.2 विच शोज द यूजफुल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस ऑफ द लाइफ साइकिल कंसेप्ट विच इंडिकेट्स द डिफरेंट स्टेजेस एंड ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट पासेस थ्रू इन हिज लाइफ इन इट्स लाइफ। देखिए 84 से 89 तक की बात कही जा रही है, 1984 to 1989। ठीक है, 1984 में लॉन्च किया गया था इन सबको इतने इतने ये पे, और फिर आगे जा करके 1989 तक ये सारी चीज़ें गिर करके इतनी इतनी हो गई। ठीक है, थ्रू द लाइफ साइकिल कर्व हैज़ बीन ड्रॉन इन द टर्म्स ऑफ 5 स्टेजेस, वन कैन थिंक ऑफ 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल, 7 स्टेजेस लाइफ साइकिल ETC। तो 4 तरह की होती है, 7 स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल के, बहुत सारे होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द रेफरेंस इन द अबव फिगर इज सो इज टू अ ब्रांड लाइफ साइकिल एंड नॉट टू अ जेनेरिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये तो एक ब्रांड लाइफ साइकिल है, ना कि कोई जेनेरिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जेनेरिक मतलब जो जो मेन वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि आप अगर दवा देखेंगे तो दवा 2 तरह का होता है, एक आता है ब्रांडेड, दूसरा आता है जेनेरिक। तो दवा जो ब्रांडेड होता है उस जेनेरिक दवा के समान ही होता है, लेकिन ब्रांडेड में क्या होता है कि किसी कंपनी का नाम उसमें चिपका हुआ होता है, किसी कंपनी का लेबल उस पर चढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसका प्राइस जो है काफ़ी हाई हो जाता है। लेकिन जेनेरिक दवाएं जो होती हैं, जो बेसिक कंपोजिशन से होती हैं, उससे मिलकर के बनी हुई होती हैं, तो जेनेरिक इज द मेन थिंग। उसके ऊपर आप कोई भी कंपनी का नाम चढ़ा दो, वो ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, इन फैक्ट वन कैन थिंक ऑफ द ब्रांड लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेंस, जस्ट एज ब्रांड पासेस थ्रू अ डिफरेंट स्टेजेस इन इट्स लाइफ, सो डज अ प्रोडक्ट। जिस तरह से ब्रांड जो है एक तरह से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जाता है, जैसे कि ब्रांड है, ब्रांड जो है आज छोटा था, धीरे धीरे जैसे जैसे सेल बढ़ा, ब्रांड की वैल्यू बढ़ी है ना, फिर उसका नया स्टेज आया, फिर एक और स्टेज आया। तो उस तरह से स्टेज जिस तरह से आता है, उसी तरह से प्रोडक्ट का भी जो होता है एक स्टेज होता है। फॉर अ कंपनी वॉट मैटर इज द लाइफ साइकिल ऑफ इट्स ओन ब्रांड प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंपनी के लिए बस यही बात मैटर करती है कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, वो उसकी जो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो मतलब बेहतर हो, वो ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, और उसकी लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, बस यही सोचते हैं कंपनीज और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन ऑफ PLC है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन अ न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, द टारगेट सेगमेंट इज नॉट फेमिलियर विद द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड सेल्स टर्नओवर इज नॉट लाइकली टू बी हाई। तो बात कही जा रही है, जब कोई नई प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छी हो या बुरी हो, वो मार्केट सेगमेंट से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होती है, लोग उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, तो उसकी जो सेल्स होती है, जो डिमांड होती है मार्केट में, वो ज़्यादा नहीं होती है, वो थोड़ी कम ही होती है। जैसे कि मेरा चैनल जो है, मैं मुझे नहीं पता मेरा चैनल कैसा वर्क कर रहा है, बेहतर वर्क कर रहा है, बुरा वर्क कर रहा है। बेहतर वर्क कर रहा है मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, सो इट इज़ गुड फॉर माई चैनल। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जुड़ते रहे इन फ्यूचर, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, डेफिनेटली तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, जब कुछ नया लॉन्च होता है, जैसे मेरा चैनल जो है नया लॉन्च हुआ, तो क्या हुआ कि लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं है, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे जो लोग हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, उसी तरह से प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे चैनल को एक तरह से प्रोडक्ट के रूप में अगर देखूं, तो प्रोडक्ट और मेरे चैनल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, है ना, इट इज़ लाइक द सेम थिंग।
तो चीज़ें जो है मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल जो यूज़र्स हैं, उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि मेरा एक चैनल है जिसमें हम मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे। उसी तरह से प्रोडक्ट्स के केस में भी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा तो वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इन दिस स्टेज दोज कस्टमर्स हु नॉर्मली टेंड टू बी एक्सपेरिमेंट विद न्यू प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस स्टेज में जो ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि ये अच्छा है या वो बेहतर है, ये ऐसा है वैसा है। जैसे कि मेरा चैनल है, हो सकता है मेरे चैनल के से भी मतलब अलग अलग बहुत सारे चैनल्स हो जो कि मेरी तरह ही पढ़ाते हो, तो जिसका चैनल बेहतर होगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अटैच होंगे, राइट। उसी तरह से पीएलसी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी यही बात कही जा रही है कि जैसा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या है ना कि कंज्यूमर जो है, जैसे कि आप हो, आप एक व्यूअर हो, तो आप क्या करोगे कि आप एक चैनल पे तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे डिपेंडेंट रहोगे, आप देखोगे कि कौन सा चैनल बेहतर है, फिर जो भी चैनल बेहतर होगा आप उसके साथ जुड़े रहोगे, है ना। उसी तरह से प्रोडक्ट के केस में भी होता है, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, दो प्रोडक्ट खरीदा, दोनों को कंपेरिजन किया कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, जो बेहतर लगा आपको आप उसके साथ जुड़े हुए हो, आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रियल लाइफ में होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई जो है वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। सो हाउ मच सो दैट मच यू विल दैट मच यू विल रिलेट टॉपिक्स टू योर नॉर्मल लाइफ, यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ोगे आपको उससे उतना ही उससे ज़्यादा जो है आपको पता चलेगा चीज़ों के बारे में, है ना। बिकॉज हर चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आगे देखते हैं, अमाउंट ऑन प्रोपोर्शन ऑफ हैंड्स एंड हैंड्स प्रॉफिट्स आर लाइकली टू बी मिनिमल। तो जो चूंकि नहीं है तो प्रॉफिट जो होता है वो बहुत कम होगा, मतलब अभी जो है मेरे चैनल पर लाइक जो है काफ़ी कम आता है ना। अगर मैं लाइक को एज अ प्रॉफिट देखूँ तो क्या होता है, जो लाइक होता है वो बहुत ही कम आता है अभी फिलहाल, लेकिन जैसे जैसे लोग फैमिलियर होंगे, जैसे जैसे लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे वैसे वैसे लाइक बढ़ेंगी, है ना। मैं चाहता हूँ, चाहूँगा, मैं यहाँ पे अलग से कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल कीजिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, इन सम केसेस नेगेटिव ऑल्सो इफ़ द प्रोडक्ट डज नॉट डाई एन इमीडिएट डेथ। अगर प्रोडक्ट जो है वो अचानक से नहीं मरता एंड फाइंड्स एक्सेप्टेंस अमंग द कस्टमर्स, और अगर उसे कस्टमर में एक्सेप्टेंस मिलने लगती है और वर्ड्स स्प्रेड्स होते हैं। देखिए ये वर्ड्स स्प्रेड का मतलब है माउथ टू माउथ आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करोगे। या देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना जो है आप ज्ञान को बांटोगे। आप सिर्फ मेरे चैनल को मत शेयर कीजिए, जो भी आपको नॉलेज मिला है, जो भी आपको याद हुआ है, आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी इंटरेस्टेड हो आपके साथ इसके ऊपर कन्वर्सेशन करने को, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, ताकि आपकी जो एक नॉलेज है वो निखर करके सामने आएगी, आपका जो नॉलेज है वो, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके एप्लीकेशन और स्किल में बदल जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी कही जा रही है, अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या होता है, वर्ड्स स्प्रेड होते हैं, मतलब माउथ टू माउथ इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, तो इससे क्या होता है, सेल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेस पर यूनिट प्रोडक्शन, तो इसका जो प्राइस है प्रोडक्शन का वो घटने लगता है, प्रमोशन होने लगती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होने लगती हैं, एक तरह से आप प्रॉफिट जो है वो कमाना स्टार्ट कर देते हो। द मैच्योरिटी सैचुरेशन स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई रिडक्शन इन यूनिट प्राइस। तो मैच्योरिटी स्टेज को क्या कहा जा रहा है, जब आपका जो जो कैरेक्टराइज बाई रिडक्शन यूनिट प्राइस, जो यूनिट प्राइस है उसकी जो प्राइस है वो गिरने लगेगी, तब आपको समझना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की मैच्योरिटी पीरियड आ चुकी है। एंड राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन, और आपका जो खर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर पे जब आपका होने लगेगा, प्रमोशन के एक्सपेंडिचर पे होने लगेगा। एक प्रोडक्ट होता है ना, जब वो जा करके थोड़ा पुराना हो जाता है तो क्या होता है, उसकी सेल गिर जाती है, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ी सी सेल्स बढ़ेंगे लेकिन फिर गिर जाएंगे, क्योंकि एक तरह से वो प्रोडक्ट जो है अपनी मैच्योरिटी पा चुका है, एक तरह से वो अपने पीक पे है, इसके ऊपर वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक नया प्रोडक्ट लेकर के आना चाहिए जो कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो ये होने लगता है, तो इन द फाइनल स्टेज अनलेस अटेम्प्ट मेड टू स्ट्रेच द लाइफ साइकिल मीट्स द सक्सेस सेल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है, सेल्स जो होते हैं घटने लगती हैं, एंड द कंपीटिंग ब्रांड्स ग्रेजुअली स्टार्ट रिप्लेसिंग द कंपनीज ब्रांड लीडिंग फाइनली टू बी विदड्रॉल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। तो बात कही जा रही है, जैसे जैसे प्रोडक्ट के सेल्स गिरने लगी कि वैसे वैसे क्या होगा, जो कंपटीटिव जो कंपनीज है जो कि मार्केट में आप ही की तरह सामान को बेच रही है, उनका सेल बढ़ने लगेगा। देखिए किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है ना, तो चूंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है, एक प्रोडक्ट की सेल गिर रही है, इसका मतलब दूसरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है, तो एक तरह से क्या होगा कि आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि नहीं, आपको जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल लेना चाहिए और एक नया प्रोडक्ट उसके कंपटीटिव करने के लिए, कंपीट करने के लिए जो भी मार्केट में कंपनीज के प्रोडक्ट हैं उनको आपको एक नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाना होगा, ठीक है। तो ये होता है टोटल स्टेजेस, जो यहाँ पे इम्प्लिकेशंस हैं, जो चीज़ें हैं उन सबको मैंने अभी आपको बताया।
ठीक है, इसके बाद है हमारा लाइफ साइकिल स्टैचिंग स्ट्रेटजीज, ये इतना एग्जाम में नहीं आता। इसमें क्या है ना कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे स्ट्रेच कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक आप बेच सकते हो, उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये दिस टॉपिक इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। फिलहाल जो हमारा टॉपिक था PLC, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट और इम्प्लीकेशंस, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते कहना चाहूँगा, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है और मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप अपने आप खुद को जोड़ करके आप मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप उसमें डायरेक्ट पा सकते हैं। मैं वीडियोज़ डायरेक्ट वहाँ पर शेयर करूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जो है जो हमारा वीडियोज़ है उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।